दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं 3 तारीख को हमने एक आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए आवेदन किए थे और मात्र 24 घंटा के अंदर जो है इस आधार कार्ड में एड्रेस जो है सक्सेसफुली चेंज हो गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आधार योर आधार हैज बीन जनरेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आधार में जो है एड्रेस मात्र 24 घंटा के अंदर जो है चेंज हो गया है। तो अगर आप भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या फिर पिता की जगह पर पति का नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं कि अपने आधार कार्ड में किस तरह से एड्रेस को चेंज करना है। आधार में एड्रेस चेंज करने के लिए जो है आपको गूगल पर टाइप करना है या फिर कोई भी ब्राउजर में आपको टाइप करना है माई आधार लॉगिन। आपको इस तरह से माई आधार लॉगिन लिख के इस तरह से सर्च करना है। जो फर्स्ट में वेबसाइट आएगा इस तरह से आपको इसी पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने आएगा। आपको जो है अपना आधार को सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन, आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। तो जिस भी आधार कार्ड में आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं उसका आधार नंबर जो है यहाँ पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ से लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। तो आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है उस पर जो है एक OTP जाएगा। आपको जो है यहाँ पर उस OTP को डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। आप जो है कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। आपको जो है एड्रेस चेंज करना है उसके लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एड्रेस अपडेट, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको 2 ऑप्शन और मिलेगा, यहाँ से अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इसको जो है आप पढ़ सकते हैं अन्यथा इसे स्किप भी करके यहाँ से प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन और मिलेगा जिसमें कि आप नाम डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये सब जो है अभी डिसेबल है। आपको सिर्फ यहाँ से एड्रेस ही अनेबल मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ से एड्रेस पर ऑलरेडी पहले से टिक रहेगा, आपको यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस दिया हुआ है ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा पहले से। आप नया एड्रेस जो भी डालना चाहते हैं वो जो है नीचे कॉलम में आप डालेंगे। तो थोड़ा सा इस तरह से नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको केयर ऑफ में अपना पिता का नाम या फिर आप पति का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ से पति का नाम लिखेंगे। आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे वो जो है अपने आप हिंदी हो जाएगा। इस तरह से राम कुमार लिखे हैं, इस तरह से बाहर कहीं पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से जो है यहाँ पर हिंदी अपने आप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हाउस नंबर, इस तरह से रोड नंबर जो भी है आप अपना लिखेंगे, इस तरह से हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे वो जो हिंदी है अपने आप हो जाएगा। इस तरह से कोई लैंडमार्क है तो वो सब लिखेंगे। और इसी तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है। इस तरह से जैसे ही पिन कोड लिखेंगे तो आपका जो भी राज्य होगा वो अपने आप यहाँ पर आएगा। आपको यहाँ से ज़िला सेलेक्ट करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ से अपना गाँव का नाम इसमें खोजना है। जो भी आपका गाँव का नाम है यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ से पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ पर अपने आप ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ से मैनुअल अपलोड पर क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ से डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ से जो है आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिलता है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हमारे पास निवास है यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र है, तो इसमें देख सकते हैं फोटो आईडी कार्ड सर्टिफिकेट विथ इशू, इस तरह से इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आप आवासीय दे रहे हैं तो। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है इस तरह से उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी जो भी आप एड्रेस डाले हैं वो एड्रेस जो है यहाँ पर शो करेगा। आपको जो है एक बार बारीकी से उसको मिला लेना है, चेक कर लेना है। अगर इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर यहाँ से बैक पर जाके भी उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से इसको टिक करेंगे और यहाँ से क्लोज कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपसे जो है 50 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, तो आपको जो है इसे ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट करना होगा। यहाँ से इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर 2 गो मिलता है पेमेंट गेटवे, तो आपको दोनों में से कोई एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करना है और इस तरह से पेमेंट करना है 50 रुपये का। यहाँ से इस तरह से ये वाला पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। तो पेमेंट करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ से QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा, आपका जो है सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों पेमेंट हो जाने के बाद जो है आपको इस तरह से एक रिसीविंग मिल जाएगा। आपको ये रिसीविंग को जो है रख लेना है। इसमें जो है एक SRN नंबर रहता है, इस तरह से
इसके माध्यम से जो है आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए जो है आपको फिर से इसी वेबसाइट पर आना है। यहाँ से इस बार जो है लॉगिन नहीं करना है, आपको यहाँ से नीचे आना है और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चेक एनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, आपको इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है दूसरा नंबर ऑप्शन को टिक कर लेना है और जो भी आपका SR नंबर है इस तरह से टैप कर देंगे और यहाँ से कैप्चा भर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं इनका जो है दो दिन पहले हमने आवेदन दिए थे जो कि अभी जो है बन के इस तरह से जनरेट हो गया है, तो इसको जो है बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग के वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।